हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो एक दिन की छुट्टी के बाद हम लोग दोबारा आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 3 पर, जहां पे हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जो ड्राइंग होती है वो तो वही होती है जो पार्टनर से हमारे विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो उस पे कंपनी जो है, फर्म जो है, वो इंटरेस्ट मंगा करती है। तो उसको इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या फिर वो जो ड्राइंग्स होती हैं किस किस तरीके होते हैं, उसके बारे में सुनना शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, जब ड्राइंग अलग अलग डेट्स को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जाए, डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, तो हमारी ड्राइंग कैसे, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकाली जाती है। देखिए जैसे कि अलग अलग डेट कैसे, जैसे कि किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, फिर उसी पार्टनर ने 30 सितंबर को विड्रॉ कर लिया, फिर 1 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया, 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया। तो अलग अलग डेट्स है, ठीक है। 28 फेब को विड्रॉ कर लिया। तो डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, जैसे कि पहले 5,000 विड्रॉ किया या 4,000 विड्रॉ किया या 3,000 विड्रॉ किया है। तो अलग अलग डेट्स को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो ये हमारा अलग मेथड हुआ करता है। दूसरा मेथड है, जब जो अमाउंट होता है ड्राइंग का वो सेम रहे और डेट्स जो है वो भी इवनली चलते रहे हर एक मंथ में, वही सेम डेट एक पैटर्न जैसा फॉलो हो रहा हो। जैसे कि किसी पार्टनर ने हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ किया, यानी कि पहले 1 अप्रैल को किया, फिर 1 मई को किया, 1 जून, 1 जुलाई, तो लगातार ऐसे दिसंबर तक करता रहा, ऐसी तरह से मार्च तक, इसी तरह मार्च तक करता रहा और सेम अमाउंट लाइक 3,000 कर रहा है, तो कंटिन्यूसली वो 3,000 ही विड्रॉ करता रहा अप टू एंड। तो इसके लिए अपना दूसरी तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। तो इन दोनों को फॉलो करने, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या होता है, तो पहले पहला वाला मेथड समझेंगे, जहाँ पे हमारा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दो तरीके के मेथड होते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये एक मेथड है हमारा सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। तो चलिए पहले सिंपल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारा यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, ये हमारा फॉर्मूला यूज हुआ करता है। चलिए देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है सिंपल मेथड में। मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, बोर्ड आपको दिख रहा है, चलिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा जो पार्टनर है, एक ही पार्टनर ने ड्राइंग की है, पहला उसने ड्राइंग कर ली 30 अप्रैल को, मान लेते हैं, फिर उसने विड्रॉ किया 30 अप्रैल को 6,000, चलिए, उसके बाद उसने अगली ड्राइंग करी है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर उसने विड्रॉ कर लिया 5,000, उसके बाद अगली विड्रॉ कर देते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी को 10,000 की, ठीक है। और इंटरेस्ट इन ड्राइंग हमको बता रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट इन ड्राइंग का 10% लगना है, 10% पर एनम हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारी ड्राइंग होगी, अब इस पर देखते हैं इंटरेस्ट कैसे निकलना है। तो इंटरेस्ट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलिए शुरू करते हैं। 6,000 पे 10% लगाना है, लगाते हैं, देखिए 6,000 फॉर्मूला क्या है, रेट अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। अब टाइम कैसे आएगा, 30 अप्रैल को हमने ड्राइंग करी है, मंथ काउंट करते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगी पहले वाले की, करते हैं 12 × 5 = 60 एंड ये 550, ये आ गया हमारा पहले वाले का। ऐसे दूसरा वाला करते हैं, 5,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, टाइम कितना है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग करिए, तो अक्टूबर पूरा अभी बाकी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स, सॉल्व कर लीजिए इसको भी। ठीक है, अगला देखते हैं, 10,000 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, 10,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड 3 महीने बाकी है, जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी है इसलिए 3 अपॉन 12, ये अपन बचा 4 और इसको काट देंगे, ये बचेगा 250। तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी होगी, 500 1050
तो ये आ गया सिंपल मेथड से हमारा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड का। सेम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड में भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब ये रहा हमारा प्रोडक्ट मेथड, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, ठीक है। इससे हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले हमको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो पहले यहाँ पे निकलेंगे मंथ, कितने मंथ्स बाकी हैं। तो अभी हम लोग निकाले थे, अब 30 अप्रैल को हो रहा है, तो अप्रैल छोड़कर के मई से लेकर के मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं, 11 मंथ्स। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, फर्स्ट अक्टूबर से कितने मंथ्स बाकी हैं, 6 मंथ्स। फर्स्ट जन टू मार्च 3 मंथ्स। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चलिए 6,000 × 11, 66,000, 5,000 × 6, 30,000, 10,000 × 3, 30,000। इसका टोटल कर लेंगे 30, 60, 120, 126,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वही मान लेते हैं। टेन परसेंटेज, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट का भैया हम लोगों का प्रोडक्ट आ गया है 1,26,000 इंटू रेट है 10% अपॉन 100, 1/12। इसको सॉल्व करते हैं, 12 × 12, 1 × 6, 0, 5, 60। तो ये आ गया हमारा 1050। सेम अमाउंट जो सिंपल में निकला था, जो सिंपल मेथड से अमाउंट आया था वही सेम अमाउंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोडक्ट मेथड से भी आ गया है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी जब हमारी ड्रॉइंग डिफरेंट डेट्स को हुआ करती है डिफरेंट अमाउंट के साथ। अब उस बात की बात करते हैं जब सिंपल सेम अमाउंट के साथ सेम डेट को हुआ करती है। देखिए अब जब हमारी ड्रॉइंग सेम डेट को हुआ करती है सेम अमाउंट के साथ, तब क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगा करता है इसके लिए। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब इसमें दो चीज नहीं है, टोटल ड्रॉइंग और एवरेज पीरियड। अब टोटल ड्रॉइंग क्या होती है, जैसे कि हमारे पार्टनर ने विड्रॉ किया हर मंथ की स्टार्टिंग में, तो हमारे हर मंथ की स्टार्टिंग में पूरे 12 महीने विड्रॉ कर रहा है, तो जो भी ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है उसको मंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए उसने 1000 विड्रॉ किया हर एक मंथ को, तो 1000 विड्रॉ कर रहा है हर एक मंथ को, मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12, ड्रॉइंग हो गई 12 मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी 12 मंथ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है एवरेज पीरियड, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो उसके लिए एक टेबल भी है हमारे पास, उस टेबल को हम यहां पे बना देते हैं। देखिए कैसे होगा, ऐसे होता है बिगिनिंग, मिडल ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। देखते हैं फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, 9 मंथ्स के लिए क्या होगा, 1/4 के लिए क्या होगा। ये क्वार्टर 4 मंथ्स वाला है, वो वाला क्वार्टर नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो पहली ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग कब की होगी, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ की बात हो रही है, तो अप्रैल की स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट अप्रैल को। देखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च।
तो अप्रैल की बिगिनिंग हो रही है ड्रॉइंग की, तो अप्रैल की बिगिनिंग के बाद कितने मंथ बाकी है हमारे, पूरे के पूरे 12 मंथ्स बाकी हैं। तुम्हारा फॉर्म नेम क्या लग गया, टाइम आफ्टर लॉस फर्स्ट ड्रॉइंग 12। लास्ट ड्रॉइंग के बाद, लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, मार्च की बिगिनिंग में, पूरा मंथ एक बाकी है, तो प्लस 1/2 कितना आएगा, 13/2 कितना हो गया, 6.5। तो बिगिनिंग आ गया हमारा 6.5, कितना सिंपल था, ठीक है। ऐसे अगला देख लेते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में हो रही है, तो अप्रैल की मिडिल में होगी, अप्रैल छोड़ दो, अच्छा 11 मंथ ये बाकी है हमारे, और आधा अप्रैल कितना हो गया 11.5। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11.5। लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, 15 मार्च को, आधा मंथ अब भी बाकी है, तो प्लस 0.5/2 इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12/2 कितना आएगा मन्ना 6, ये लीजिए। ऐसे ही करते हैं अगला वाला, लास्ट ड्रॉइंग के बाद अप्रैल की एंड में होगा, कितने मंथ बाकी हैं अप्रैल की एंड के बाद, पूरे 11। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, कितने मंथ बाकी हैं 11 प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, मार्च की लास्ट में, कितने मंथ बाकी हैं उसके बाद 0/2 कितना आएगा 11/2 5.5, ठीक है, इजी है। अगर इस फॉर्मूले से बचना चाहते हैं तो ये टेबल को भी आप याद कर सकते हैं, इस टेबल को याद करने का तरीका सिखा देते हैं। देखिए मिडिल वाले सिर्फ आपको याद कर लेने हैं, इसका 6, 3, 6 and 4.5, 12 मंथ्स का हाफ 6 मंथ्स का हाफ 3, 9 मंथ्स का हाफ 4.5 और इसका 6, इतना याद कर लेना है। ऊपर जाएंगे तो 0.5 प्लस करेंगे, ऊपर जाएंगे तो 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो 0.5 माइनस करेंगे, बस इतना ही करना है समय। देखिए करते देखते हैं, ऊपर जाएंगे तो 0.5 प्लस, 3 में 0.5 प्लस होगा कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0.5, नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 2.5। 9 मंथ्स में ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे 0.5, नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे 0.5, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 5, नीचे आएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब रहा बच्चा अपना क्वार्टर, अब जो क्वार्टर होता है उसको पी के लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो ये वाला अपना क्वार्टर भी ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस करेगा 1.5 और नीचे आएगा तो माइनस करेगा 1.5, बाकी समय 0.5 है, इसमें अकेला 1.5 है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है, और नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है, कितना सिंपल है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले से बचना है तो टेबल भी याद कर सकते हैं, बस मिडिल वाली लाइन याद कर लीजिए, बाकी ऊपर नीचे तो आप कर ही लेंगे, ऊपर जाना तो 0.5 प्लस, नीचे जाना तो 0.5 माइनस, एक्सेप्ट क्वार्टर्स वाला, क्वार्टर्स वाले में ऊपर जाएंगे तो 1.5 प्लस, नीचे जाएंगे तो 1.5 माइनस, ठीक है। तो इस टेबल से यूज करके अब हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपकी बुक का अब ये करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का ए आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चलिए शुरू करते हैं, बंद कर दो इस टेबल के, चाहिए तो एक दो वैल्यू और कन्फर्म कर लेते हैं। चलिए देखिए 6 मंथ्स की बिगनिंग का निकालते हैं, तो 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉइंग कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, सिर्फ 6 महीने तक ड्रॉइंग हो रही है, तो 6 महीने के लिए ड्रॉइंग करेंगे, तो फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद 6 महीने बाद कितने महीने बचे हैं, पूरे 6 बाकी हैं, तो पूरे 6 मंथ बाकी हैं, अप्रैल को ही जैसे कि, और सितंबर तक कर रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाकी हैं, और लास्ट ड्रॉइंग कब हो रही है 1 सितंबर को, पूरा सितंबर बाकी है, तो प्लस 1/2 कितना हुआ 7/2 इक्वल्स टू 3.5, ये देखिए आ गया, ठीक है। ऐसे 9 मंथ्स के लिए देख लेते हैं, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया जा रहा है, ड्रॉइंग हो रही है, 9 मंथ्स की बिगनिंग में करेंगे तो पूरे 9 मंथ्स बाकी हैं, 9 मंथ्स के लास्ट में करेंगे तो लास्ट वाला मंथ पूरा बाकी है, 10/5 आ गया, ठीक है। तो इस टेबल को याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या अब इस टेबल से याद कर लेते हैं। अब इस टेबल से यूज करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आपकी बुक के। तो पहला क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन में शो करेगा,
आपकी बुक डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 24 का ही आपकी स्क्रीन पे। चलिए देखिए, अब इसमें एक पार्टनर दे रखे हैं गोपाल, जो कि ड्राइंग कर रहे हैं 1000 पर मंथ रेगुलरली, हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ कौन सा वाला केस है हमारा? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है 15% पर एनम का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, 1000 विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ, तो 1000 पर मंथ इंटू 12 कर लेंगे तो आ जाएगा 12000। फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, 12000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग कितना है हमारा, 15%, 15/100। एवरेज पीरियड कितना लगेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 से 12 और 9075 आ गया। कितना इजी था क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट अब करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट। तो देखिए एक पार्टनर है गुप्ता, जो कि विड्रॉ कर रहे हैं 800 रुपीज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहे हैं बिगनिंग, कितना लगेगा एवरेज पीरियड, 3.5, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा देखा है 15% का। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, तो 800 विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो 800 6 मंथ्स के लिए, तो टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, 800 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये, 4800, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, 4800 इंटू रेट कितना था, 15% अपॉन 100, एवरेज पीरियड कितना लगेगा बिगनिंग ऑफ 6 मंथ, यानी कि 3.5, तो 3.5 अपॉन 12। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 12 फॉर द 48, और ये हो जाएगा 16, 210। कितना सिंपल था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्ट इन ड्राइंग के दोनों मेथड्स जो हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जब रेगुलरली विड्रॉ करते हैं तब क्या होता है, जब डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं, से पहले वाला मेथड था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टा आईडी पे भी, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में क्या, अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना अपने आसपास का ध्यान रखिए।